अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और फायदे वाली होने वाली है, इसलिए स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान, ये पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आसान और सादा अल्फाज में डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं, लेकिन ये करेंसी फिज़िकल फॉर्म में कहीं भी अवेलेबल नहीं, सिर्फ वर्चुअल शक्ल में है। जिस तरह हम अपने फिज़िकल पैसे अपनी पॉकेट में रखते हैं, इसी तरह इस करेंसी को रखने के लिए डिजिटल वॉलेट होता है, उसमें इसे रखा जाता है। इस करेंसी से आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस करेंसी का आगाज़ 2009 में हुआ और पहले करेंसी जो ऑनलाइन बिकी उसका नाम बिटकॉइन था। पूरी दुनिया में इस वक्त 5000 इकसाम की क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स हैं और इन सब की प्राइसेस भी मुख्तलिफ हैं। इन सब टोकन्स में सबसे आला और ऊपर बिटकॉइन है, बाकी इसके बाद दर्जा ब दर्जा जैसे कि इथेरियम, रिपर और डॉग कॉइन हैं। अब हाल ही में फेसबुक ने भी इस मैदान में कदम रख दिया है, उसने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम उसने लिब्रा रखा है। सामिन, इन डिजिटल करेंसी से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? तो दोस्तों, इनसे फ़ायदा उठाने का तरीका ये है कि जब भी कोई नया टोकन या करेंसी निकले उसकी कीमत कम होती है, उसे ख़रीद के अपने डिजिटल वॉलेट में रख लें, जब वो टोकन महंगा हो उसे बेच लें और फ़ायदा और मुनाफा हासिल कर। दोस्तों, आप दौर बदल गया है आने वाला दौर डिजिटल है। अब लोग ज़मीन और सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। एक और बात दोस्तों, इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान अभी इस मामले में घूमघू का शिकार है। अभी तक पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन है, लेकिन फिर भी इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई ऑथेंटिक अदारा नहीं है, इसलिए फ्रॉड का चांसेस ज़्यादा होता है। अब होता क्या है, जो लोग ये काम करते हैं तो लोगों ने ऑनलाइन वॉलेट बनाए होते हैं। हर शख्स का अपना वॉलेट होता है। जब आप किसी को ये करेंसी बेचते हैं तो सिंपल आप उसे अपने वॉलेट से उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब तो बहुत सी साइट्स इसे एक्सेप्ट करने लगी हैं, सो आप चीज़ ख़रीद के डायरेक्ट बिटकॉइन के ज़रिए पेमेंट दे सकते हैं। चाइना, जापान, यूएसए और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दौर में ज़रूर डिजिटल करेंसीज ही इस्तेमाल होंगी। जी तो नाजरीन, आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के अहमान।